स्कॉलरशिप का कोटा पूरा करो पूरा करो स्टूडेंट्स का कोटा पूरा करो पूरा करो बैकलॉक का कोटा पूरा करो पूरा करो पूरे करो पूरे करो बैकवर्ड क्लासेस सत्ताईस परसेंट रिजर्वेशन मंडल कमीशन मंडल कमीशन का रिपोर्ट पूरा करो पूरा करो आवाज दो ना मंडल कमीशन का रिपोर्ट पूरा करो पूरा करो मंडल कमीशन की रिपोर्ट इम्प्लीमेंट करो

हम नहीं चाहते हैं कि कोविड वगैरह का एस का ये उल्लंघन हो हम मामूली कुछ रिप्रेजेंटेटिव डिफरेंट इलाकों से, से आए थे हमने प्रेस कॉलोनी में आके एक प्रोटेस्ट किया पीसफुल प्रोटेस्ट किया हमारा प्रोटेस्ट करने का ये इशू है कि हम अपनी जो जेनवन डिमांड्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रांटेड डिमांड्स है जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दिए हुए हैं हम उन अधिकारों के बारे में बातचीत कर रहे हैं कि आप जिना हमें वो दे दीजिए सबसे पहले हमारा मेन मुद्दा ये है कि हमारा जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन है वो

और तीसरी मुख्य जो हमारी डिमांड इनके साथ रही है आपके थ्रू हम एल साहब को एडवाइजर साहिबान को और सेंट्रल रिम को गुजारिश करना चाह रहे हैं वो ये है कि आप आ, जो हमारे एस टी के जो हमें एस का स्पेशली स्कॉलरशिप इस वक्त है जो वो अभी लागू नहीं हुआ है हमारे स्टूडेंट्स के लिए हमारे स्टूडेंट्स का जो उनकी इनकम होती है वो एक लिमिटेड हो, होती है वो इसी स्टूड जो स्कॉलरशिप है इसी पे अपना पढ़ाई का जो है गुजारा आगे चलाते हैं तो लिहाजा आप उसको लागू करिए आप उनको दे दीजिए अगर उनका पुराना बैग लगा है, हमारा हॉस्टल है अब जो आदमी कुपवारा से आएगा जो आदमी ऊपर के फ्लंग एरिया से आएगा जो अनंतनाग के पिछले गाँव से आएगा वो कहा श्रीनगर से यूनिवर्सिटी अटेंड करके वापस जाएगा ऊपर हमारा हॉस्टल ऑलरेडी गवर्नमेंट ने दिया है वो अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया है हॉस्टल अभी, होस्टल अभी तक बना ही नहीं है अगर बना है तो फंक्शनल नहीं हो रहा है तो हमारे लोगों के बहुत सारे मुश्किल हैं हम मैं अगर लोगों के मुश्किल को बयान करने बैठूँ तो मेरे मुझे लगता है कि इसमें हजारों दिन लग जाएंगे और ये मुश्किल इतने लंबे हैं आखिर में मैं इसको कंक्लूड करते हुए ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे जितने भी जेनवन डिमांड्स है जो हमने मेमोरेंडम में लिखी हुई है हमारे स्टेट प्रेजिडेंट ने हर बार इनको प्रेजेंट की है तो, एल जी साहबान को इस वक्त भी वो जम्मू में मेमोरेंडम दे रहे हैं हम श्रीनगर में दे रहे हैं डीसी श्रीनगर शाहिद इकबाल चौधरी साहब को दे रहे हैं हम उन, हमारी उनसे भी गुजारिश है कि वो हमारा ये मेमोरेंडम एल जी साहब तक पहुंचाएं हमने मेमोरेंडम में सारी चीजें लिखी हुई है और हम ये उम्मीद करते हैं कि मीडिया के थ्रू मीडिया डेमोक्रेसी का चौथा पिलर है और मीडिया से हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं हम उस वक्त भी मीडिया के आभारी रहे हैं जब किसी ने कवरेज मीडिया हमेशा इन इशूज

आप नाजरीन अगर आपको हमारी प्रोग्राम पसंद आए होंगे बैल निशान पे बटन दबाकर हमारी चैनल सब्सक्राइब